जय हो। कहिए कैसे हैं आप। कभी कभी मेरे वीडियो प्रेमियों के मुझे फोन आते रहते हैं। कल एक प्रेमी का फोन आया, कहने लगा पृथ्वी जी आज 55-56 वर्ष की अवस्था है, मैं आपसे कुछ अपने दिल का हाल बताना चाहता हूं। मैंने कहा बताइए। कहने लगे कि मैंने ता उम्र सबका ख्याल रखा और कभी अपने लिए कभी कुछ सोचा नहीं, यहां तक कि अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखा। रात दिन मेहनत की, कुछ भी चीज मेरे सामने आती थी मैं बोलता था मुझे नहीं चाहिए, पहले मेरा परिवार, पहले मेरे रिश्तेदार, खाने की चीज हो, पहनने की चीज हो, कहीं घूमने की चीज हो, आनंद लेने की चीज हो, मैंने अपना ख्याल कभी रखा नहीं। लेकिन आज मेरे शरीर में कुछ तकलीफें आ गई हैं और मैं देख रहा हूं कि मुझे कोई चाहता नहीं है, मेरा कोई ख्याल भी नहीं रखता। मैंने कहा फिर अब तुमको शिकायतें कैसी, जब तुमने अपने जीवन में अच्छे दिनों में अपने शरीर का, अपनी आत्मा का भी ख्याल नहीं रखा, दूसरों के लिए सोचा, अच्छी बात, ये एक अच्छे हृदय की निशानी है। मगर याद रखना, तुम्हारी आत्मा का जो मंदिर होता है वो तुम्हारा शरीर ही होता है। अरे भाई, हम एक मूर्ति को भी विराजमान कराते हैं तो एक साफ सुथरे स्थान पे, अच्छे मंदिर में, क्योंकि सोचते हैं कि ये हमारे भगवान है। और फिर आत्मा, याद रखना, आत्मा को कोई बदबूदार शरीर नहीं चाहिए, उसे एक खुशबूदार शरीर चाहिए। अगर बीमार बदबूदार शरीर एक आत्मा के पास होता है तो आत्मा वहां से निकलने की कोशिश करती है, बोलती है कि मैं पिंड छोड़ू इसका शरीर का। और जब तुम अपने शरीर का ख्याल नहीं रखते, जबकि परमात्मा ने तुम्हें दिया है, सुबह उठो तो अपने इन बालों को पॉलिशिंग करो, अच्छा सा कोई तेल लगाओ उसमें नारियल का, इन आंखों का धन्यवाद करो जो ये पूरे जगत को तुम्हें दिखा रही है, हरे भरे पेड़ पौधे पंछी, इस नाक का धन्यवाद करो जो तमाम तरह की सुगंध तुमको सुंघाती है, सांस लेने में मददगार है, इन दांतों का धन्यवाद करो जो बहुत अच्छा कार्य करते हैं, यहां तक कि अपने घुटनों को भी धन्यवाद दो। याद रखना, जिस आदमी के घुटने खराब होते हैं उनसे जाके पूछो कि क्या हाल है उसका, और फिर तुम्हारे स्वस्थ घुटने, मैं तो कहता हूं अगर खराब घुटने भी हैं तो उसका धन्यवाद करो, उनको एक बार तुम आशीर्वाद और प्यार का हाथ घुमा कर देखो, प्रसन्न हो जाएंगे। और फिर जब स्वस्थ होते हो तुम, उस समय अपने शरीर की पॉलिशिंग नहीं करोगे, उसको कुछ खाना खुराक नहीं दोगे, तो वो तुम्हारा साथ देने से भला कैसे आगे आएंगे। इस हार्ट का, इन धड़कनों का, इन हाथों का, सबका धन्यवाद करो, परमात्मा ने तुम्हें दी है, ये कीमती चीजें करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की, जो दुनिया का कोई साइंटिस्ट इसे बना नहीं सकता। छोड़ो दुनिया को, जिस आदमी ने अपना ख्याल नहीं रखा उससे आत्मा भी नाराज हो जाती है। याद रखना एक बात और अंतिम मेरी, याद रखना, इस शरीर का चमड़ा निकाल करके और उसका जूता बना करके, चप्पल बना करके अगर किसी रिश्तेदार को दोगे, अपने सगे संबंधी को दोगे, तो भी वो राजी नहीं होगा। अपना ध्यान रखो, अपनी आत्मा को खुश रखो, परमात्मा राजी हो जाएगा। जय हो।